नमस्कार, मैं नीति सैन। भारी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर अवैध हथियार की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी अवैध हथियार की तस्करी किया करते थे, जिसके चलते भारी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। उसी को लेकर बाहरी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने उत्तर प्रदेश से हथियार की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर उसके 3 रिसीवरों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 18 जिंदा कारतूस, 7 पिस्टल भी बरामद की गई हैं। आरोपियों को रेडिसन ब्लू होटल के पास से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, बाहरी जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम में तैनात इंस्पेक्टर प्रवीण की टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है स्पेशल स्टाफ की टीम। स्पेशल स्टाफ की टीम का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली में भी छापेमारी कर इनके बाकी साथियों को भी जल्द सलाखों के पीछे पहुँचाया जाएगा। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।